एक बार की बात है, दमोदी गाय माइनिंग करने गया। चलो मुझे केव खोदनी है, खोदता हूँ मैं पूरी केव को जल्दी जल्दी। वाओ, लैपिस लजूली मुझे नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, रेडस्टोन तो मिल ही गया। वाओ डायमंड्स, ये तो मैं खोद लूंगा। चलो माइनिंग करके बहुत कुछ मिल गया। फिर माइनिंग के बाद दमोदी गाय ने पेड़ कटना शुरू किया। चलो पेड़ भी बहुत कट गए। के बाद फिर अच्छी ट्रेड ना मिलने पर दमोदी गाय ने उन सभी विलेजर्स को मारा। और उसका ऐसा व्यवहार प्रकृति उनकी नेचर देख रही थी। और तभी जो उसने इन विलेजर्स को मारा तो प्रकृति आवाज आई। तुमने सभी को परेशान कर दिया है। तेरा वर्ल्ड जितना भी बड़ा है, लेकिन उसमें तू बस उत्पात ही मचाता है। बस पेड़ काटते हो तुम इंसान, और बस आदमियों को अपने मतलब के लिए उनका प्रयोग करते हो, और इन भोले भाले विलेजर्स की हत्या करते हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा वर्ल्ड फ्लैट हो जाए, जहाँ ना तो तुम माइनिंग कर सको, ना तो तुम्हारे पास विलेजर्स हो, और ना ही कुछ और हो। बस तुम्हारे पास डर्ट ही डर्ट हो। कृपया मुझे माफ कर दो। अब तो मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, तो श्राप लौटाया नहीं जा सकता। किंतु मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक बोनस चेस्ट दूंगी, जिसके अंदर पेड़ भी हो सकते हैं, और तुम्हें उसे लगाकर सर्वाइव करना होगा। और साथ ही साथ तुम्हें पोशन ऑफ वीकनेस मिलेंगे, 2 पोशन मिलेंगे, और 2 गोल्डन एप्पल भी, जिससे तुम जॉम्बी विलेजर को क्योर करके सर्वाइव करो। और अचानक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रकट होगा, जिसमें तुम एंडर ड्रैगन को मारकर इलेक्ट्रा लोगे, और तुम्हें एक लावा बकेट भी अपने आप मिल जाएगा। तो जाओ। ठीक है। हेलो मोडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मोडी गाय। सो आज की इस वीडियो में मैं 100 डेज सरवाइव करने जा रहा हूँ ओनली सुपर फ्लैट वर्ल्ड में। सो या लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो मैंने इसका नाम लिख दिया 100 डेज इन सुपर फ्लैट वर्ल्ड। मैं इसको करूँगा इजी, एंड वर्ल्ड रहेगा मेरा फ्लैट, एंड सीड तो कुछ नहीं रहेंगे इसके। एंड या अब मुझे करना है कुछ, तो या शो कोऑर्डिनेट्स ऑन एंड लेट्स स्टार्ट। मेरा वर्ल्ड जेनरेट हो रहा है। एंड या तो day 1 को मैं स्पॉन हुआ, एंड मुझे मिली थी बोनस चेस्ट, जिसके चारों ओर एक मतलब चारों तरफ टॉर्चेस थी। एंड जैसा कि नेचर ने कहा था, मुझे 2 वाटर बकेट भी मिल गई, और साथ ही पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल। एंड वाओ, मुझे सैपलिंग भी मिल गई। क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड था, इसीलिए मैं एक भी बार मरना नहीं चाहता था, क्योंकि फिर मेरा वर्ल्ड डिलीट हो जाता। इसीलिए मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई और चल दिया मॉब्स वगैरह को मारने के लिए, और टूल्स भी बना लिया मैंने। फिर मैं जब घर आया तो मेरे जो सैपलिंग्स थे वो ग्रो कर गए थे। एंड क्योंकि मेरे पास 2 वाटर बकेट्स थी, तो मैंने बनाया एक इन्फिनिट सोर्स ऑफ वाटर, की बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड फिर रात होने वाली थी, सो मैंने सभी चीज़ों को रख दिया। एंड फिर मैं गया बेड बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास वुल थी बट मेरे पास प्लैंक्स नहीं थी। सो या मैंने जो भी बर्च, मैंने मैंग्रोव का प्लैंक लिया, बर्च का नहीं लिया, सॉरी। एंड फिर मैंने एक ब्लैक बेड बनाया, क्योंकि मैं गया था एक्सप्लोर करने, तो मुझे ब्लैक वुल भी मिल ही गया था ठीक ठाक। सो या फिर मैं सोने चला गया। एंड या सो फिर रात हो गई थी, एंड सो गया मैं। day 2 को मैं थोड़ा सा जंगल का जो भी वुड वगैरह था उसको तोड़ना स्टार्ट करने वाला था, बट उसके लिए मेरे पास एक्स नहीं थी। सो मैंने सोचा कि मैं एक एक्स बना लूँ, उससे आसानी से मैं वुड तोड़ सकता था। एंड या
सो उसके लिए मुझे प्लैंक चाहिए थी जो कि मैंने बना ली थी, एंड मैंने टॉर्च भी ले ली, एंड मैंने सोचा कि कोई क्रीपर वगैरह मेरे चेस्ट को ब्लास्ट ना कर दे। इसी के लिए मैंने बनाया एक सिस्टम टाइप जो कि क्रीपर अगर ब्लास्ट भी हो जाए तब भी मेरा चेस्ट बचा रहे। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग को भी अपना चेस्ट बचाना है। सो या फिर मैंने एक बकेट ऑफ वाटर रख ली अपने पास, एंड टॉर्चेस को मैं थोड़ा सा अपने बेड के चारों ओर लगाने लगा ताकि मॉब्स वगैरह ज़्यादा मेरे बेड के आस पास स्पॉन ना हो। सो मैंने अपने बेड के चारों ओर टॉर्चेस लगा दी, एंड यप, सो इतना सब कुछ हो गया था। सो फिर मैं, मेरे पीछे एक स्लाइम पड़ गया एंड मेरे पास थी एक वुडन स्वॉर्ड। सो या इसी से मैंने उसको ठोकना शुरू किया। फिर हम दोनों के बीच में शुरू हुआ एक घमासान युद्ध जिसमें मैंने उसे बुरी तरह मौत दे दी, एंड फिर मैंने सोचा कि मुझे फाइनली एक एक्स बना लेनी चाहिए। सो या उसके लिए मुझे और भी वुड चाहिए थे। सो फाइनली मैंने एक एक्स बनाई एंड शुरू हो गया पेड़ काटने के काम पे। सैपलिंग्स वगैरह तो मैंने प्लांट कर ली, एंड बस फिर मेरा डे टू ऐसे ही बीतने लगा। या मतलब फिर क्या, मैंने थोड़ा सा खाना वाना खाया एंड इसको देखने लगा मैं फिर, एंड फिर या मैं डे टू से 13 तक घर से बाहर रहा एंड मैं एक्सप्लोर करने के लिए गया, एंड फिर तभी मैं मुझे याद आया कि मैं रास्ता खो चुका हूँ, एंड फाइनली डे 13 को मुझे अपना घर मिल गया, एंड उसकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मतलब वो करप्ट हो गई थी। सो या सो डे 14 पर मैंने अपना घर बनाने का कोशिश किया, एंड मैंने उस क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड किया, एंड बहुत सारी क्लिप्स को तो मैंने कट कर दिया एंड बोन मील वगैरह का भी यूज़ किया, एंड या सो फिर मैं डे 29 की रात को अपने घर पे लैडर्स लगाने लगा। डे 30 से लेकर 39 तक मैं बहुत सारे काम करता रहा, एंड फिर मैंने डे 39 को अपना एक हो बनाया वुड का, एंड फिर मैंने स्टार्ट किया फार्मिंग बिकॉज मेरे पास कुछ खाने का सोर्स था ही नहीं, बस नॉनवेज खाना पड़ रहा था। सोया इसको अच्छे से मैंने मतलब फार्मलैंड में कन्वर्ट किया इस ग्रास ब्लॉक को, एंड या फिर उसके ऊपर मैंने सीड्स लगाने का सोचा। सो या फिर डे 40 पर मैं, मेरे पास जितने भी पोटैटोज वगैरह थे सब कुछ मैंने वहाँ पे लगा दिए, क्योंकि रात हो गई थी इसलिए मैं सोने चला गया था और इसीलिए मेरा डे 40 स्टार्ट हो गया था। एंड बस फिर मैंने जितने भी सीड्स वगैरह थे सबको लगाया, एंड जो स्केल्टन्स थे उसके बोन से बोन मील बनाया था मैंने, एंड फिर मैंने उसको ग्रास ब्लॉक पर हिट किया तो उससे मेरे ग्रास ग्रो हो गए मतलब यहाँ पे, एंड जिससे मुझे सीड्स मिला। आप ये मत कहिएगा कि मैंने कुछ भी क्रिएटिव से किया, नहीं, मैं जो भी किया मैंने वो सब मैंने हाथ से ही किया, मतलब सर्वाइवल में ही किया। एंड या फिर मैंने हॉर्स को मारना शुरू किया क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे इससे लेदर मिलेगा, एंड या फिर मैं इसको मारने की कोशिश करने लगा एंड फाइनली ये मर गया। सो फिर इधर काउस वगैरह थी सो मैं उनको मारने चला गया। काउ को मारने के बाद मैं घर में आ गया एंड फिर मैंने स्टार्ट किया अपना हाउस बनाना। मैंने बहुत सारे पार्ट्स को कट किया एंड आ गया एक वॉन्डरिंग ट्रेडर, सो उससे मैंने कुछ लेने का सोचा, बट मेरे पास मतलब एमराल्ड्स नहीं थे सो मैं उससे कुछ खरीद नहीं सकता था। सो यहाँ मैंने उसके लामा को मार दिया
एंड आप लोग सोच रहे हो मेरा डे 57 कैसे आ गया, तो जी हाँ भी मेरा डे 57 ही चल रहा है, क्योंकि वुड्स वगैरह कलेक्ट करने में टाइम तो लगता ही है एंड ऑब्वियसली मैंने उन सभी सीन को कट किया बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो रही थी। सो फिर से मैं ऊपर जाने लगा अपने घर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। सो फिर मेरा डे 65 पर मेरा हाउस तैयार हो गया था फुल्ली एंड मेरे को मतलब लावा बकेट जो बोला गया था वो मुझे मिल गया था, अचानक से ही मतलब स्पॉन हो गया था मेरे हाथों में। एंड फिर मैंने उसे स्टोन जनरेटर बनाया, बाद में मैंने उसको तोड़ भी दिया एंड बहुत सारे टूल्स वगैरह तो मैंने बनाए ही। एंड मैंने एक चेस्ट में साइड में कहीं पे लावा बकेट को रख दिया एंड फिर से मतलब कुछ ट्रेडर वगैरह से मुझे सामान वगैरह मिले एंड मुझे जॉम्बी विलेजर भी मिले, जिसको कि मैं मतलब ऊपर जो थे मतलब जॉम्बी विलेजर्स जो भी थे उसको मैंने ऊपर ट्रांसपोर्ट कर लिया उन सभी को। एंड आप देख पा रहे होंगे मेरे पास लावा बकेट आ चुकी थी एंड फिर मैंने उनका वर्क स्टेशन बनाया, उनसे ट्रेडिंग की एंड मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। एंड यप फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करके इसको स्विमिंग पूल टाइप का कुछ बनाया जाए। सोया फिर मैंने बनाने लगा एंड फर्स्ट टाइम मैंने अपने मन से मतलब बिना कोई ट्यूटोरियल देखे अपने हाउस का डिज़ाइन बनाया था। एंड फिर मैं डे 65 को सोने चला गया। फिर सो के जब मैं उठा तो डे 66 मेरा शुरू हो गया था। बाय द वे सॉरी गाइस, मतलब मैं जॉम्बीज वगैरह को क्योर करने का वीडियो नहीं दिखा पाया आपको बिकॉज मेरा वो वाला फाइल फिर से करप्ट हो गया था। एंड तभी डे 66 को मेरे पास वॉन्डरिंग ट्रेडर भैया स्पॉन हुए, जिससे मैंने अकेशिया वाले सैपलिंग ले ली। एंड बाय द वे शुगर केन भी मुझे मिल चुका था, जो कि पहले ही मिल चुका था, मैंने तभी तो लेक्चर बनाया। एंड ऐसे ही एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आए थे, उन्होंने मुझे शुगर केन दी थी, जिसको कि मैंने उधर साइड में लगा लिया था। एंड या फिर मैंने और भी बहुत कुछ किया एंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। मैंने बहुत ज़्यादा एमरल्स कलेक्ट किए एंड उससे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल का मैंने जो विलेजर्स हैं उनको बना लिया एंड उससे मुझे बहुत सारे बूट्स मिले, जो कि आप देख पा रहे होंगे। एंड या फिर मैंने शुगर केन्स वगैरह को रख दिया चेस्ट में एंड फिर मैं बाहर जाने लगा। वेल, मैं आपको बता दूँ इसको मतलब अच्छी ट्रेड लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ता है। वैसे मैंने मेरे घर का नाम रखा द मूडी भवन। फिर मैं नीचे उतर गया एंड अपने घर के चारों ओर स्विमिंग पूल जो मैं बनाना चाहता था उसको पूरा कंप्लीट करने लगा, उसका डिज़ाइन को। एंड फिर मैं उसके अंदर वाटर भरने वाला था एंड फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो सैपलिंग्स भी है, मतलब एक ही सैपलिंग है अकेशिया वाली। एंड फिर मैंने उसको ग्रो कर दिया। जंगल के अलावा मेरे पास एक और वुड टाइप आ गया अकेशिया वाला। सो या फिर मैंने उसको माइन करने लगा। वुड वगैरह कलेक्ट होने पर मैंने और ज़्यादा ट्रेडिंग की एंड एक ट्रेडर मतलब से मतलब मेरा फिशरमैन से मुझे मिल गई ये कॉर्ड वाली बकेट। एंड एक विलेजर मतलब कि एक ट्रेडर आया था उससे भी मुझे और फिश की बकेट मिली थी। सो मैं इन सभी को छोड़ने लगा यहाँ पे। एंड ट्रेडर से मुझे मिली थी ट्रॉपिकल फिश, जो कि मैंने डाल दी एंड साथ ही साथ एक ड्राउनर या जो भी कहते हैं उसको, पानी वाला जॉम्बी को, वो यहाँ पे स्पॉन हो गया था, जिसको मारने से मुझे शेल और कॉपर का इनगट मिला। एंड साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे मैंने वो वाली फार्मिंग शुरू की एनिमल्स की, जो कि फिर से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फिर से वो फाइल करप्ट हो गई। एंड मैंने जो भी मतलब उधर उधर जो फार्म था उधर मैंने विलेजर्स को रख दिया एंड मैं खुद फार्मिंग नहीं करता था। एंड उधर मैं फेंस वगैरह लगा दिया मैंने। एंड एक और आर्मरर बनाया जो मुझे लेगिंग्स और ये दे रहा था चेस्ट प्लेट। बाय द वे मैंने उससे अपना बूट्स और हेलमेट ले लिया दूसरे वाले से। एंड फिर मैं सबको अपग्रेड कर चुका था। सो फिर मैंने कॉपर इनगट और जो न्यूटेला शेल है तो मैंने चेस्ट में डाल दिया। एंड पैक डाइस वगैरह भी मुझे ट्रेडर वगैरह से मिल गई थी। एंड या फिर
बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटेला। फिर मैं नीचे उतर गया एंड मैंने एक लावा बकेट वगैरह को मैंने सबसे पहले तो मैं लगाने वाला था यहाँ पे। फार्मर को कैरेट वगैरह बेच बेच के एंड फिर मैं जाने लगा ऊपर चेस्ट में ट्रेड कर लिया जाए जो भी फार्मर वगैरह वगैरह थी। फिर मैं पता नहीं कि जो भी कर रहा था मैं वो भूल गया उसके लिए आ गया एंड फिर अपने नेक्स्ट काम पर लग गया। लाइब्रेरियन तो सबसे पहले मुझे क्या ही दे रहा था, मतलब मैंने अच्छे अच्छे लाइब्रेरियन यहाँ पे बना लिए एंड फिर मैंने सोचा कि इससे बुक शेल्फ लिया जाए सबसे पहले तो। सो एमरल्स दे के मैंने इससे बुक शेल्फ लिया। ओके सो या मुझे ये ग्लास दे रहा था सो या फिर मैंने इसे ट्रेड करना शुरू कर दिया एंड इसके लेवल्स वगैरह बढ़ गए थे। सो फिर मैंने दूसरे लाइब्रेरियन से भी ट्रेडिंग की एंड मुझे एमरल्स मिले एंड कैरेट्स भी। सो या अब मैं दूसरे लाइब्रेरियन से ट्रेड करता हूँ। ट्रेडिंग करने के बाद ये मुझे लैंटर्न दे रहा था सोया, इसी के तो मुझे इंतज़ार था इसी का। तो मैंने फिर लैंटर्न ले लिया एंड इसको लगा लिया अपने घर के एजेस पे, क्योंकि मेरे घर में लाइट की बहुत कमी थी एंड इसीलिए मतलब मैंने इसको लगा दिया एंड मैं जितना भी नीचे वाला जो फार्म वगैरह है उसमें भी मैं लगाने वाला हूँ इसको। तो अब मैं जल्दी से इसको लगा दे रहा था एंड या मैंने सोचा कि इसको अपने घर के छत पे भी लगाया जाए बट मैं यहाँ पे नहीं लगा पा रहा था। सो फिर मुझे घर का सेंटर मिला जहाँ पे मैंने इसको लगा दिया एंड फिर मैं एक एक ब्लॉक छोड़ कर लैंटर्न लगा रहा था एंड मैंने टॉर्चेस को रिमूव कर दिया एंड यहाँ पे बुक शेल्फ लगा दिया ताकि यहाँ पे स्पेस मतलब मेरा भरा भरा लगे इस जगह का एंड इधर भी सेम मैंने यही किया। सो फिर मैंने लैंटर्न लिया एंड इसको बुक शेल्फ के ऊपर रख दिया जिससे ये अच्छा लग रहा था एंड मैंने मेरे पास मतलब कि और भी ज़्यादा मतलब लैंटर्न्स बची थी। सो मैंने सोचा कि इसको कहीं तो लगाना होगा ना, सो मैंने इसको एक ब्लॉक छोड़कर यहाँ पे लगा दिया जिससे मेरे पूरे घर में रोशनी हो। वैसे इसको घर क्या ही कह सकते हैं, मतलब इसमें बस एक ही रूम था, कैसा घर है मतलब। सो कोई बात नहीं, मेरा घर ऐसा ही है एंड फिर मैंने ब्लू बेड तो बना ही लिया था जो कॉर्नफ्लावर होता है एंड वाइट डाई एंड उससे मैंने ब्लू डाई बनाई एंड वाइट डाई को मिक्स करके लाइट ब्लू डाई बिकॉज मेरा लाइट ब्लू फेवरेट कलर है। सो या इसीलिए ऐसा हो चुका था अच्छे से। फिर मैंने इधर भी मतलब लैंटर्न्स वगैरह लगा दी एंड एक्स को मैंने फेंक दिया जो भी मुझे मिल रही थी फालतू चीज़ें एंड इन ट्रेडर भैया से मुझे मिले बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स। सो सब मैंने एक एक ले लिया। वैसे मेरा सबसे फेवरेट फ्लावर है ब्लू ऑर्चिड, सो यह इसको मैंने ले लिया सबसे ज़्यादा अमाउंट में एंड फिर मैंने सोचा कि इसको मैं लगा ही देता हूँ। सो यह मैं इसको लगाने लगा, जितनी भी फ्लावर्स वगैरह थी एंड सबको मैंने एक एक बोन मील कर दिया बिकॉज ये अच्छा लगना चाहिए, बिल्कुल भी बेकार नहीं लगना चाहिए मेरे घर के आसपास का एरिया। वैसे मेरा घर मुझे मतलब अच्छा लग रहा था एंड फ्लावर्स को मैंने बोन मिल करके डुप्लीकेट कर दिया एंड क्योंकि फिर रात होने लगी थी तो कुछ किया नहीं जा सकता था। तो फिर मैं जाने लगा सोने के लिए। बाय द वे मैंने और लैंटर्न्स लगा दी थी। सो डे 85 को मैंने इन भाई साहब से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की थी जिससे मुझे ग्लास वगैरह मिल गई थी, सबको मैंने रख लिया था एंड क्लॉक वगैरह को भी मैंने रख लिया था एंड मेरा जो मतलब क्या कह सकते हैं इसको, मतलब मेरा जो जो वो वाला आदमी था लाइब्रेरियन वो फुल मतलब मास्टर लेवल पे मैंने उसको पहुंचा दिया ट्रेड कर करके एंड फिर मैंने इस आर्मरर को भी मास्टर पे पहुंचा दिया था एंड मुझे मिल गया पूरा डायमंड का आर्मर।
सो एक एक्स्ट्रा चेस्ट प्लेट बन गई थी, तो मैंने इसको रख दिया। एंड या कद्दू पाई को भी मैंने नीचे रख दिया। सो मैं बाहर जाने लगा। वेल, बाहर जाने से पहले मैंने यहाँ पे फर्नेस बनाई थी कि जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। एंड इन सभी को स्मेल्ट करके मैंने आयरन के नगेट्स बनाए। एंड या आप देख ही पा रहे होंगे। एंड इसी तरह मैं बाकी को स्मेल्ट कर रहा था, बिकॉज आयरन नगेट्स से हम लोग आयरन के इनगट्स बना सकते हैं। एंड मेरे वर्ल्ड में अभी आयरन की बहुत कमी थी, सो इसीलिए मैं बहुत दूर आ गया। एंड मैंने सोचा कि मुझे अपने वर्ल्ड में एक आयरन फार्म बनाना चाहिए। सो फिर मैंने आयरन फार्म बनाना शुरू किया। बाय द वे, ये मेरा खुद का मतलब डिज़ाइन वाला आयरन फार्म होने वाला था। सो सबसे पहले मैंने 20 बेड्स लिए एंड उसको इस तरह से लगा दिया, मतलब 5 बेड्स को मैंने उस तरह से लगाया। एक्चुअली 5 नहीं, 5 से ज़्यादा ही थे, मतलब आप देख ही पा रहे होंगे। सोया सो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको स्पीड, मतलब इसका स्पीड मैंने बढ़ा दिया। बाय द वे, मैं जब फार्म बना ही रहा था तब एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ, जिससे मतलब मैंने एक स्प्रूस का सैपलिंग खरीदा क्योंकि वो बेच रहा था, ऑब्वियस सी बात थी। तो मैंने उससे ले लिया ये सैपलिंग एंड मैंने सैंड वगैरह भी ले ली। एंड बस वेल, आयरन गोलम्स वगैरह स्पॉन हो रहे थे। एंड बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब करने के बाद फाइनली मेरा फार्म काम करने लगा। सो वो कुछ ऐसा लग रहा था एंड में। एंड फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे तो साइन बोर्ड है, मतलब ये तो बहुत ही ख़राब लग रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने इसको रिमूव करने का सोचा एंड मैंने रिमूव कर दिया। वेल, फाइनली ये काम करने लगा था, ये डर्ट का था। एंड पहले तो मेरे साथ ये हुआ कि मतलब मुझे पूरा फार्म तोड़ना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे मतलब मैंने कुछ पास में आयरन फार्म को बना दिया था अपने बेस के, जहाँ पे पहले से ही विलेजर्स थे। एंड हो रहा ये था कि आयरन गोलम जो था वो मेरे बेस पे स्पॉन हो रहा था, ना कि यहाँ पे। सो बस मैंने उसको तोड़ दिया एंड थोड़ा सा और दूर आके बनाया। एंड फिर मुझे याद आया कि आयरन फार्म तो कम से कम 100 ब्लॉक्स दूर बनाना चाहिए विलेज से। एंड आई डोंट थिंक कि वो 100 ब्लॉक्स दूर था वहाँ पे जब मैंने बनाया था। वेल, मैंने स्प्रूस का जो सैपलिंग था वो भी लगा दिया था, आप देख ही पा रहे होंगे। एंड अब मेरे पास क्योंकि आयरन फार्म था, तो अब मुझे बस कुछ एक्सपीज वगैरह चाहिए थी ताकि मैं अपने आर्मर में उन सभी को मतलब आर्मर को अपना पावरफुल बनाऊं, क्योंकि मेरे पास फुल डायमंड आर्मर तो था बट वो थोड़ा सा पावरफुल नहीं था। सो इसी के लिए मैंने सोचा कि मुझे एक एक्सपी फार्म बना लेना चाहिए। उससे पहले मैंने कॉल्ड्रन बनाया एंड ड्रिप स्टोन की हेल्प से लावा का फार्म बना लिया, जिससे मुझे इन्फिनाइट लावा मिलते रहे। एंड या फिर मेरा वो वाला मतलब जो फार्म था वो भी बन गया था। तो मैं फिर से ऊपर जाने लगा एंड अब मैं एक्सपी फार्म बनाने वाला था। वेल, यहाँ पे पता नहीं कैसे स्लाइम स्पॉन हो गया, दुष्ट स्लाइम का वध कर दिया मैंने फिर। तो फिर डे 91 को मैंने एक कॉबल स्टोन जनरेटर फिर से बनाया, मतलब ठीक ठाक काम करने वाला था। नॉर्मली सा मैंने कॉबल स्टोन जनरेटर बनाने का सोचा। सोया पता नहीं क्यों यहाँ पे कॉबल स्टोन जनरेट नहीं हो रहे थे। सो फिर मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स प्लेस करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि लावा मेरा ऑब्सीडियन बदल गया। एंड फिर मैंने थोड़ा सा और जुगाड़ वगैरह लगाया एंड एक और बकेट ऑफ लावा मैंने यहाँ पे लगा लिया, क्योंकि मतलब मेरा लावा का फार्मिंग मैंने अच्छे से किया था, इसीलिए वो सबको मैंने कलेक्ट कर लिया एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड फिर मैंने अच्छे से मतलब वाटर को प्लेस किया एंड फिर प्लेस किया लावा महाशय को। सो इस बार मुझे देखना था कि ये वर्क करता है कि नहीं। सो अब ये सक्सेसफुली काम कर रहा था एंड मतलब बहुत अच्छे से इसमें मतलब ये फार्म काम कर रहा था। तो अब आ रही थी मेरी एक्सपी फार्म को बनाने की। फिर कुछ और ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास एनफ एमरल्ड हो गए, जिससे मैंने एक स्वॉर्ड खरीदी और एक एक्स भी खरीदी एंड दो एक्स खरीदी एक्चुअली। सो यार, मेरे पास इतनी चीज़ें आ गई थी, अब बस मुझे एक पिकेक्स की ज़रूरत थी।
जिससे मैं ऑब्सीडियन माइन करके एक नेदर पोर्टल बनाऊं। सो मैंने एक्स्ट्रा एक्स को रख लिया मतलब चेस्ट में, एंड फिर से मैंने एक विलेजर को उठाया एंड टूल स्मिथ को, एंड उससे ट्रेडिंग किया एंड मेरे पास एक पिकेक्स आ गया डायमंड का। फिर क्या था, मैंने जितनी भी आयरन की चीज़ थी मतलब पिकेक्स वगैरह उसको मैंने हटा दिया एंड ट्रेडर भैया से मैनग्रूव का प्रोपेग्यूल खरीद लिया एंड सैंड भी खरीदा। वेल मैंग्रूव का प्रोपेग्यूल मैं अभी नहीं खरीद पाया बिकॉज मेरे पास एनफ एमरल्ड्स नहीं थे। सॉरी, मुझे लगा मैं खरीद चुका हूँ बट मैं नहीं खरीद पाया, मैंने खरीदने का बस सोचा था। वेल मैंने इन सभी फालतू की चीज़ों को मैंने रख दिया इस बैरल में एंड अब मेरे पास मतलब बहुत कुछ चीज़ें थी मतलब बहुत सारी। सो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज मेरे पास एमरल्ड्स नहीं थे, तो मैं ट्रेडर काका के पास जाने लगा। तो ट्रेडर काका से मैं कुछ ले भी नहीं पाया तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे सो गया एंड फिर शवल वगैरह मैंने खरीद लिया, एक एनविल बना लिया एंड फिर मैंने अच्छी अच्छी मतलब दो एक और मैंने स्मिथ बनाया था टूल स्मिथ या पतन जो स्मिथ था एंड उससे मैंने एक और एक्स खरीदा। उसके पास अच्छी मतलब एन्चेंटमेंट वाली एक्स थी तो मैंने वो भी खरीद ली एंड दोनों को मर्ज कर लिया एनविल में एंड बस अब मेरे पास बहुत कुछ हो चुका था। सो मैंने सोचा कि एक एक्सपी फार्म बनाया जाए। वेल मेरे पास मतलब जितनी भी आइटम्स थी मैंने उनको अरेंज कर लिया अच्छे से। सो फिर मैंने सोचा कि मुझे एक एक्सपी फार्म बनानी चाहिए। तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए बनने से पहले मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स भैया लोगों से बुक्स खरीदी एंड जिसको मैंने सबसे पहले मतलब मैंने अपने टूल्स वेपन्स को डिसएन्चेंट किया एंड फिर उन पर बुक्स लगा दी। फिर क्योंकि मैंने बाद में मैनग्रूव का प्रोपेग्यूल खरीद लिया था एंड इसलिए मेरे पास मैनग्रूव के ट्रीज थे। सो मैंने उन सभी को कलेक्ट किया, उनसे प्लांक्स बनाया एंड फिर मैं अपना एक्सपी फार्म बनाने का काम शुरू कर चुका था। एक वॉन्डिंग ट्रेडर वहीं स्पॉन हो गए तो या फिर मैंने उनसे ट्रेडिंग करना शुरू किया। तो वो मुझे कोकोआ बीन्स दे रहे थे, बाकी मैंने ड्रिप लीफ वगैरह खरीद ली थी एंड फिर मैंने कुछ और चीज़ें खरीदने का सोचा। तो पूरी कोकोआ बीन्स तो मैंने ले लिया था एंड अब मैं फिर लेने वाला था पफर फिश। सो मैंने उसको भी ले लिया एंड कोकोआ बीन्स को तो आप जानते हैं जंगल ट्री पे लगाया जाता है तो मैंने उसको लगा दिया। फिर मुझे पता चला कि एक्सपी फार्म काम नहीं कर रहा है तो बाद में मैंने स्लैब्स वगैरह एंड बटन्स वगैरह लगा के एक्सपी फार्म को ठीक किया एंड फिर ये सक्सेसफुली काम करने लगा था। सो बस अब जितना भी मुझे फार्म वगैरह बनाना था सब बन चुका था तो बस बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की। फिर मैं तैयार हो गया पूरा एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो इधर गया नीचे गए, फिर मैंने उस लावा पूल से ऑब्सीडियन बना लिया उन सभी को एंड फिर मैंने उनको कलेक्ट करके एक नेदर पोर्टल बना के उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की बट मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था। सो मुझे लावा बकेट और प्लैंक से ही इसको एक्टिवेट करना पड़ा कि आप देख ही पा रहे होंगे ये अच्छे से एक्टिवेट हो गया इस तरह से। मैं नेदर गया एंड उधर से कुछ क्वार्ट्स वगैरह माइन किए, फिर वहाँ पे लावा मेरे मुख पर गिर गया एंड फिर मैं उल्टे पाँव घर लौट गया बच बचा के किसी तरह एंड वैसे मैंने नेदर पोर्टल को डिज़ाइन भी दे दिया था। वेल फिर मैं जाने लगा एंडर ड्रैगन का खात्मा करने के लिए। फिर मैं जल्दी से मतलब जाने लगा स्ट्रांग होल्ड की तरफ एंड जैसा कि उसने कहा था नेचर ने कि अपने आप स्ट्रांग होल्ड प्रकट होगा, सो ये हो चुका था एंड फिर मुझे घुसते एक चेस्ट दिखी जिसके लिए वाह मतलब मुझे इसमें इतने अच्छे लूट मिले थे, मतलब दो डायमंड्स मिल गए मुझे एंड दो गोल्डन एप्पल्स भी मिल गए। सो मैंने उसको ले लिया एंड फिर
इधर एक और बुक शेल्फ थी चेस्ट के ऊपर, फिर मैंने उसको माइन किया एंड इसमें तो मुझे मतलब लूटिंग 3 एंड इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गई। सो कोई बात नहीं, मैंने इसको भी ले लिया एंड फिर मैं इसको इस रूम को बंद करने लगा एंड फिर मैं सब सामानों को रख कर कूद गया डायरेक्ट एंड पोर्टल में, जो कि ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था। एंड फिर शुरू हुआ मेरे और एंडर ड्रैगन के बीच का घमासान युद्ध। सो जल्दी से शुरू होने वाला था, मतलब मैंने इस ड्रैगन के बच्चे के क्रिस्टल फोड़े एंड एक बार तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं एक हट पे आ गया था। एंड फिर क्या था, मैं थोड़ा सा मतलब जगह बनाया मैंने एंड फिर स्टार्ट किया युद्ध। फिर इस एंडर ड्रैगन का खात्मा हो गया, तो ये अभी मर चुकी थी एंड मेरे पास 50 XP हो गई थी, तो मैंने इसके एग को कलेक्ट कर लिया टॉर्च वाले मेथड से एंड बाकी मैंने मतलब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया था। आप देख ही पा रहे होंगे कि वीडियो अभी तक कितनी लंबी हो चुकी है एंड अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं अभी तक, तो आप लोग कमेंट में ब्लू हार्ट का कमेंट करिए जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। वेल फिर मैं अपने वर्ल्ड में आ गया एंड मैंने नेदर पोर्टल के ऊपर जो डिज़ाइन दिया था उसके ऊपर मैंने अपना मतलब इस एंडर ड्रैगन का एग रख दिया एंड ये अच्छा लग रहा था। फिर मैं इधर से हटने लगा एंड फिर देखने लगा कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसके तीसरे वाले कमरे में क्या है। तो तीसरे वाले रूम में तो मुझे एली मिली जिसको कि मैंने घर ले जाने का सोचा, बट ये लीड से चल नहीं रही थी, सो आई थिंक मुझे इसको कोई और मेथड से ले जाना होगा। सो इसीलिए मैंने इसको किसी दूसरे मेथड से ले जाने का सोचा। सो फाइनली मैंने एले को घर पे ले आया मैंने एंड ये पॉइंटेड ड्रिप स्टोन्स एंड वही सब फालतू चीज़ें दे रहा था, यही वॉन्डरिंग ट्रेडर। सो मैंने इसको छोड़ दिया एंड फिर अपने काम पर लग गया। फिर मुझे एलाइट्रा भी तो लानी थी। वेल आप देख पा रहे होंगे मैंने एली को अपने घर में ले आया था मैंने एंड फिर मैंने एलाइट्रा भी ले ली। मुझे मतलब दो दो शिप्स मिल गई थी एंड शिप वाली अलग अलग, मतलब मैं दो एनसिटी में गया था एंड एक से तो मैं इतना खुश हो गया था कि लूट लेना ही भूल गया। बस मैंने एक जगह से डायमंड वाली जितनी चीज़ें थी उनको लिया एंड फिर मैंने एमेंडिंग खरीदा जो कि दोनों एलाइट्रा पे मैंने लगा दिया एंड क्योंकि मतलब डे 99 से 100 तक मैंने एलाइट्रा ढूंढने में लगाया एंड आज मेरा डे 100 था यानी कि मेरा लास्ट डे। सो फिर क्या था, मैंने जो ब्रीविंग स्टैंड भी वहाँ से ले लिया था उन वो दो जगह रख दिया जिससे मैंने क्लरिक बना दिया एंड फिर मेरे पास मतलब मेरा पूरा डे 100 हो गया था एंड फिर मैं नीचे उतर गया अपने घर के एंड एलाइट्रा मुझे मिल गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इस वर्ल्ड के आखिरी दिन में उड़ान भरी जाए। सो या फिर मैंने उड़ान भर दी एंड आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा था मुझे। सो या ऐसे ही मेरे डे 100 बीत गए, डे 100 हो गया, अब मैं अच्छे से उड़ रहा था एकदम। सो बस इसी तरह से मेरा डे 100 भी बीत गया। या गाइस अब बारी है शाउट आउट की। सो आज का शाउट आउट जाता है SD Alpha को। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको शाउट आउट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे कर लीजिएगा, जिसकी आईडी आपको स्क्रीन पर तो अब दिख ही पा रही होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी गेमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती है। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो या गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।